What if I told you कि chest को train करने के लिए आपको सिर्फ दो exercises की जरूरत है। अभी पर मैं तो हर मंडे 5 से 6 exercises करता हूँ chest की। इस वीडियो को save कर लेना, because this is going to change your game. Welcome to part 12 of starting with the gym series, जहाँ मैं आपके gym से related सारे doubts clear कर दूँगा। Chest आपकी humerus, clavicle, sternum and abdominal wall पे connected होता है, and इसके two of the main functions are adduction of the arm and flexion of the arm. आसान भाषा में समझाऊँ तो ये आपके biceps को body के पास लाने का काम करता है, and therefore dumbbell presses are absolutely a great movement because उनमें भी यही function perform होता है। तो आपके ओवरऑल चेस्ट एंड स्पेसिफिकली मिड चेस्ट को बायस करने के लिए अ फ्लैट डंबल बेंच प्रेस कैन बी प्रायोरिटाइज्ड। एंड सिमिलरली अपने अपर चेस्ट या क्लेविकुलर फाइबर्स को बायस करने के लिए आप एक इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। अबे पर तूने चेस्ट फ्लाई को तो लिटरली उड़ा ही दिया। देखो मशीन चेस्ट फ्लाई एक अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली बिकॉज उसका ज्यादातर फंक्शन इन दो मूवमेंट्स में कवर हो जाता है। इंस्टेड ऑफ दैट आप चाहो तो एक कन्वर्जिंग चेस्ट प्रेस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको टॉप पोजिशन पे भी रेजिस्टेंस देगी या फिर सेम मूवमेंट को जिमनास्टिक रिंग से परफॉर्म कर सकते हो। कैप्शन पढ़ लेना for more details and सारे questions comments में पूछ लेना।